नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं गूगल कैमरा 8.6 वर्सेस गूगल कैमरा 8.5 के बारे में। यहाँ पर हमारे पास है Redmi Note 7 एंड यहाँ पर हमारे पास है Redmi Note 10 Pro। यहाँ पर GCam 8.6 एंड GCam 8.5 के साथ जो क्या क्या चेंजेस देने को मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, दोनों GCam का एक कॉम्पिटिशन वीडियो होने वाला है। तो वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हमने Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर गूगल कैमरा 8.6 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है एंड यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर GCam 8.5 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। दोनों GCam का जो बिल्ड है अगर आप चाहते हो एक डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो एंड दोनों GCam का जो बिल्ड है BSG करके डेवलपर की तरफ से दोनों GCam का जो बिल्ड है अवेलेबल है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या डिफरेंस देने को मिलता है गूगल कैमरा 8.6 एंड गूगल कैमरा 8.5 के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर UI के बारे में। यहाँ पर जो GCam 8.6 के साथ जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है UI देने को मिलता है। यहाँ पर गूगल कैमरा 8.6 के साथ कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। पैनोरामा एंड फोटो एक्सपर्ट मोड के साथ जो पर मेटेरियल यू का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। 8.5 के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। तो यहाँ पर गूगल कैमरा 8.6 एंड 8.5 के साथ सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर जो है पैनोरामा एंड फोटो एक्सपर्ट मोड के ऊपर जो है मेटेरियल यू का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, जो कि 8.5 के साथ अवेलेबल नहीं है। प्लस यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में, तो यहाँ पर GCam 8.6 का जो बिल्ड है दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉयड 10 के साथ काम नहीं करता है। तो पर गूगल कैमरा 8.6 का जो लेटेस्ट बिल्ड है एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 के साथ काम कर जाएगा, बट एंड्रॉयड 10 के साथ GCam 8.6 का जो बिल्ड है काम नहीं करेगा। बट अगर बात करें गूगल कैमरा 8.5 के बारे में, बट GCam 8.5 का जो बिल्ड है दोस्तों एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 के साथ काम कर जाएगा। एंड दोनों GCam को यूज करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टेपाई के ऊपर लेवल 3 फुल का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टेपाई के ऊपर लेवल 3 फुल का सपोर्ट नहीं है तो दोनों GCam का जो बिल्ड काम नहीं करेगा। अगर आप चाहो तो दोनों GCam को एक ही डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों GCam का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा। BSG करके डेवलपर की तरफ से दोनों GCam का जो बिल्ड है अवेलेबल है। यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर Android 13 को इंस्टॉल किया है एंड Redmi Note 7 डिवाइस को जो है Android 12 को इंस्टॉल किया है। एंड नेक्स्ट अगर बात कर लेते यहाँ पर GCam 8.6 का जो बिल्ड है, तो इस बिल्ड के साथ जो है पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। तो अभी फिलहाल लेटेस्ट GCam के साथ मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड नहीं किया गया है। शायद नेक्स्ट बिल्ड के ऊपर जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड कर दिया जाए, बट अभी फिलहाल GCam 8.6 के साथ जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पर गूगल कैमरा 8.5 के साथ मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आप चाहते हो टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस प्लस माइक्रो लेंस यूज कर सकते हो गूगल कैमरा 8.5 के साथ, जो कि GCam का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसमें अवेलेबल नहीं है। एंड फीचर की अगर बात करें इस तरह से ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, बाय डिफॉल्ट ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है गूगल कैमरा के साथ। तो यहाँ पर कैमरा के साथ कुछ इस तरह से UI के ऊपर डिफरेंस देने को मिलेगा। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर फ्लैश का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है HDR मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है दोनों GCam के साथ। एंड यहाँ पर गूगल कैमरा 8.5 के साथ जो है मेटेरियल यू का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बट GCam 8.6 का जो लेटेस्ट बिल्ड है इसके साथ जो है मेटेरियल यू का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर वॉलपेपर स्टाइल में जाके यहाँ पर जो है डिफरेंट कलर को सिलेक्ट करते, तो हमने यहाँ पर जो सिंपली इस कलर को सिलेक्ट करते एंड इस कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से गूगल कैमरा 8.6 के साथ मेटेरियल यू का जो ऑप्शन से काम नहीं करता है, पर मॉनेंट UI का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है लेटेस्ट GCam के साथ। अगर बात करें पर गूगल कैमरा 8.5 के बारे में, सिंपली यहाँ पर जो है 8.5 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है डिफरेंट कलर को सिलेक्ट करते, हमने इस कलर को सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से GCam के साथ जो पर मॉडर्न UI का जो ऑप्शन से काम कर दीजिएगा, मेटेरियल UI का जो ऑप्शन से काम कर दीजिएगा GCam 8.5 के साथ। यहाँ पर गूगल कैमरा का जो लेटेस्ट वर्सन है इसमें यहाँ पर जो है मेटेरियल UI का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर GCam 8.5 के साथ मेटेरियल UI का जो ऑप्शन से काम कर दीजिएगा, ये चीज हमने नोटिस किया है। नेक्स्ट अगर बात करें पर फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर HDR मोड का ऑप्शन है एंड GCam 8.5, GCam 8.6 दोनों के साथ जो है यहाँ पर HDR इनहांस मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आप फ्रेम को इंक्रीज करते हो तो जो है फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है।
अगर बात करें पोर्ट्रेट मोड के साथ, या बार पोर्ट्रेट मोड के साथ जो कुछ इस तरह से, या बार गूगल कैमरा 8.6 का जो लेटेस्ट बिल्ड है इसमें, या बार जो कुछ इस तरह से, या बार जो है यूआई देने को मिलता है, तो पोर्ट्रेट मोड के साथ जो ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शंस को ऐड किया गया है। पर एचडीआर मोड का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है, या पर फेस रिटचिंग को ऐड किया गया है, दोनों जीकेएम के साथ काफी बढ़िया बात है। नाइट साइड मोड की अगर बात करें, पर नाइट साइड मोड के साथ जो पर दोनों जीकेएम के साथ जो पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड के ऊपर जो है ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर फोकस के ऊपर ऑटो नियर फार का ऑप्शन है, पर जो इन्फिनिटी का जो ऑप्शन है दोनों जीकेएम के साथ अवेलेबल नहीं है। ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन है, फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, पर टाइमर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन है। अगर बात करें पर वीडियो के बारे में, पर वीडियो के साथ जो है पर फुल एचडी 4K प्लस पर जो ऑटो एपीएस 30 fps 60 fps का ऑप्शन है, पर गूगल कैमरा 8.5 के साथ जो है पर ऑटो एपीएस 30 fps 60 fps का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो लेटेस्ट जीकेएम का जो बिल्ड है 8.6 के साथ जो है पर जो है ऑटो एपीएस 30 fps 60 fps का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर सिंपली आप 4K एंड फुल एचडी सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम लैप्स की अगर बात करें, पर टाइम लैप्स के ऊपर जो 1x 5x 10x 30x 120x का ऑप्शन है। प्लस पर जो 4K टाइम लैप्स का जो सपोर्ट है दोनों जीकेएम के साथ ऐड किया गया है। अगर आप चाहो तो 4K वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इस जीकेएम के साथ। अगर बात करें पर स्लो मोशन के बारे में, यहाँ पर जो स्लो मोशन का जो ऑप्शन है दोनों जीकेएम के साथ काम नहीं कर रहा है। फिलहाल स्लो मोशन का जो ऑप्शन है दोनों जीकेएम के साथ काम नहीं कर रहा है, जिस हमने नोटिस किया है। अगर आपके डिवाइस को इस तरह से बार बार फोर्स क्लोज का इश्यू देने को मिल रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर जो ऐप इन्फो में जाके यहाँ पर से क्लियर कैसे करना होगा, उसके बाद एज जीकेएम का बिल्ड काम कर जाएगा आपके डिवाइस के ऊपर। अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है, सिंपली फिर से ऐप इन्फो में जाके स्टोरेज में जाके बढ़ क्लियर स्टोरेज करना होगा, उसके बाद फिर से जीकेएम को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। पहली दफा जब इस जीकेएम को ओपन करोगे कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो जीकेएम का बिल्ड काम कर जाएगा आपके डिवाइस के ऊपर। एंड इस तरह से इसे ऑप्शंस को ऐड किया गया है। ना पर बात कर लेते सेटिंग्स मोड के बारे में, एक बार जो है सेटिंग्स मोड के साथ क्या क्या ऑप्शंस को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर दोनों जीकेएम के साथ ऑलमोस्ट सेम ऑप्शंस को ऐड किया गया है। पर जो है जीकेएम 8.5 के साथ ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले बात कर लेते इंटरफेस के बारे में, यहाँ पर जो है इंटरफेस के ऊपर जो है अलग अलग पिक्सल डिवाइस को जो इंटरफेस है सेलेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर जो है पिक्सल एक्सएल, पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4, पिक्सल 5, पिक्सल 5, पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। लेटेस्ट जीकेएम के साथ जो है ज्यादा पिक्सल डिवाइस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली हम यहाँ पर पिक्सल 6 प्रो को सिलेक्ट करते हैं, पर पिक्सल 6 प्रो दोनों जीकेएम के साथ हमने सिलेक्ट किया है। पिक्सल 6 प्रो सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलता है। दोनों जीकेएम के साथ जो है पर सिमिलर यूआई देने को मिल जाएगा, कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलेगा यूआई के ऊपर। कुछ इस तरह से इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है दोनों जीकेएम के साथ सिमिलर ऑप्शन से। एक चीज हमने नोटिस किया है, यहाँ पर दोनों जीकेएम के साथ जो वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर जो स्टैंडर्ड लॉक एक्टिव सिनेमेटिक पैन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर दोनों जीकेएम के साथ जो है वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करते हैं काफी बढ़िया बात है। पर जो वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से दोनों जीकेएम के साथ काम कर जाएगा काफी बढ़िया, क्या पर जो वीडियो स्टेबलेशन देने को मिल जाएगा। प्लस पर जो सोशल शेयर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है जीकेएम के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो बैक कैमरा के अगर बात करें, तो यहाँ पर जो कैमरा मॉडल के ऊपर जो जीकेएम 8.5 के साथ बैक कैमरा प्लस फ्रंट कैमरा के साथ अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो फास्ट स्विचिंग फोटो मोड एंड फास्ट स्विचिंग वीडियो मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, जो कि लेटेस्ट जीकेएम 8.6 के साथ अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर बैक कैमरा की अगर बात करें, तो ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। पर जो मॉडल का ऑप्शन है, अलग अलग मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों जीकेएम के साथ सिमिलर ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो व्यू फाइंडर फॉर्मेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर भी अवेलेबल है। पर रॉ फॉर्मेट फॉर एचडीआर का ऑप्शन है, यहाँ पर मार्च का ऑप्शन है, सस्ता का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो सैचुरेशन लाइट, सैचुरेशन शेडो को ऐड किया गया है। यहाँ पर अगर बात करें, इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। प्लस पर जो है टाइम लैप्स का ऑप्शन है, 24 fps, 30 fps, 60 fps का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। वीडियो मोड के ऊपर जो इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड इस तरह से इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। जीकेएम 8.5 के साथ ज्यादा ऑप्शन को ऐड किया गया है, जो कि कुछ टाइम के बाद गूगल कैमरा 8.6 का जो लेटेस्ट बिल्ड है इसमें भी अवेलेबल हो जाएगा। ना पर बात कर लेते सेटिंग्स मोड के साथ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है गूगल कैमरा के साथ। तो यहाँ पर जो है सेव लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, गूगल नेस का जो सजेशन है ऐड किया गया है, सोशल शेयर का ऑप्शन है, डायरेक्टली जीकेएम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो, यहाँ पर गेसेस का ऑप्शन है, डिवाइस स्टोरेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है,
एडवांस सेटिंग्स के ऊपर HDR कंट्रोल रॉ फोटोज का ऑप्शन है, इनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रोफोटोग्राफी टाइमर लाइट का ऑप्शन है, यहाँ पर भी HDR कंट्रोल है, पर फोकस ट्रैकिंग इन पोर्ट्रेट मोड, फोकस ट्रैकिंग इन फोटो वीडियो मोड का ऑप्शन है, प्लस इनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रोफोटोग्राफी एंड टाइमर लाइट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है सिमिलर ऑप्शन से। यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल के ऊपर वाइट बैलेंस का ऑप्शन है, जो कि यहाँ पर जीकैम 8.6 का जो लेटेस्ट बिल्ड इसमें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, पर ऑटो नाइट स्लाइड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा कैमरा पोर्ट्रेट मोड के साथ। सेफ सेल्फी से प्रीव्यू का ऑप्शन है, वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर ऑडियो जूम का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है, वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, प्लस बच्चे डेवलपर सीरीज को ऐड किया गया है। बट जीकैम का जो लेटेस्ट बिल्ड है गोल कैमरा 8.6 के साथ, जो पर डेवलपर सीरीज का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट बिल्ड के ऊपर शायद अवेलेबल हो जाए। तो इस तरह से जीकैम 8.5 एंड लेटेस्ट जीकैम 8.6 के साथ इस तरह से डिफरेंस देने को मिलता है। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।